મહાદેવ. તો કેમ છો? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. તો આજ કુછ કામ એસે લગ નહીં રહા હૈ. આજ સુબહ સુબહ મેં ધૂપ બહોતી નિકલ આઈ હૈ. બહુ એક અચાનક એસા હુઆ કે એક માનો કોઈ કોઈ કમાલ હો ગયા કે ધૂપ નિકલ આઈ. બોલો, બારિશ કી સીઝન, મતલબ કે ધૂપ નિકલતી હૈ લેકિન બારિશ કી સીઝન હમારે યહાં પે બારિશ થોડી સી જ્યાદા પડને વાલી થી આજ. લેકિન આજ ધૂપ હૈ, સુબહ સુબહ મેં થોડી સી બારિશ આકે ગઈ હૈ. તો અમારે પાપા અભી ખેત મેં હૈ ઓર હમારે મમ્મી અભી પાણી ભરને ગયે ઓર હમ યહાં પે બેઠે હૈ. તો દેખતે હૈ આગે કા શેડ્યુલ ક્યા હોતા હૈ, આજ ક્યા ક્યા કરના હોતા હૈ. જો આજ મુજે લગતા હૈ કે આજ કહીં બહાર જાના પડેગા, તો દેખતે હૈ. અગર મુજે એસા મહેસૂસ હો રહા હૈ. गाइस, तो अभी हम आ गए लकड़े काटने, क्योंकि वो हमारे खेत के सारों और जो तार बांध दिए, तो इसलिए हम आए हैं यहाँ पे ये कुहाड़ी. और थोड़ी सी आज मुझे लगता है कि पवन और ज्यादा है, हवाएं तेज है, इसलिए आपको आवाज मेरी सुनने में नहीं आएगी, थोड़ी सी तकलीफ होगी. तो इसलिए दिल से माफी चाहता हूँ. तो हम ये काम खत्म करते हैं, क्योंकि खेत की चारों ओर हमें तार अभी डालना है, क्योंकि भूंड की तकलीफ अभी बढ़ने लगी है. तो इसलिए काम करना है हमें. थोड़ा सा काम है, तो इसलिए तो आप भी चलो हमारे साथ ऊना, और देखते हैं कि बारिश ऊना की क्या हालत है बारिश में. तो आप भी हमारे साथ चलो, देख एक ऊना की सफर भी हो जाए थोड़ी सी. गए थे तो वीडियो सही तरह से शूट नहीं कर पाए, इसलिए रास्ते का ही बताया, और जो वहाँ पे काम था वो नहीं बता पाए, क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ी तकलीफ आई गई. तो माफी चाहता हूँ. तो अभी हम बारिश अभी चालू ही है, तो हम छतरी लेके चाता लेके जा रहे हैं खेत में. आपको बताता हूँ बारिश की मजा क्या होती है गांवड़े की, गाँव की. चलो मेरे साथ. अभी हम जा रहे हैं कपास की खेत की, और मूंगफली और सोयाबीन हम आपको सब बताते हैं. बारिश अभी आ रही है, तो चाता हमारे साथ है, तो इसलिए थोड़ी सी तकलीफ कम रहेगी. देखो, ये हमें सुबह में जो लकड़े काटे थे वो यहीं पे, और हम जा रहे हैं अभी खेत की ओर. ये रास्ता है, और इसमें देखो कितनी घास उग गई है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ग्रीन ग्रीन. देखो यहाँ पे बहुत ही शानदार नजारा है यहाँ का.
और ये है लौकी, लौकी का पूरा छोड़ है और इसमें देखो छोटी छोटी आई है। अभी तो आना स्टार्ट हो गया है तो अभी थोड़ी सी छोटी है तो इसलिए ऐसे ही दिखेगी। और ये है सोयाबीन, बारिश की वजह से देखो पानी थोड़ा सा भर गया है, मतलब के पानी से ऊपर आ गया है जमीन के। और ये कपास के सोड़े, कपास का खेत है यहाँ पे और ये हमने बहुत ही पहले कपास डाल दिया था तो इसलिए बहुत ही बड़ा, मतलब बड़ा के है, जब पहले का जो कपास था उससे बड़ा है। और अभी दूसरा दिखाता हूँ मैं आपको। और ये दूसरा खेत है कपास का तो उसमें देखो अभी कपास छोटा है क्योंकि वो थोड़ा सा हमने कपास सौंपने में थोड़ा सा लेट हो गया था तो इसलिए छोटा रह गया। और चलते हैं मूंगफली के खेत की ओर। और ये आ गए हम मूंगफली के खेत के में, इसमें घास बहुत ही उगाया है तो इससे अब बारिश अगर जो दो तीन दिन रुक जाए तो इसको घास निकालेंगे क्योंकि जो वो किसी काम का नहीं रहता, तो देखते हैं क्या होता है। और अभी शाम ढलने को आई है, शाम के 7 बजने को तो आए हैं तो अब चलते हैं खेत घर पे। तो अभी गुड इवनिंग, तो अभी टाइम हुआ है 7:30 जैसा हुआ होगा, मेरे पीछे घड़ियाल है मुझे पता नहीं क्या हुआ। तो अभी हम बैठे थे, अभी आ गए हम खेत से तो मैं बहुत पहले आ गया था लेकिन बारिश की वजह से और लाइट भी नहीं थी तो इसलिए हमने वीडियो स्टार्ट नहीं किया। तो अभी तो हम यहाँ पे झूले पे थोड़ा सा झूल रहे हैं और सेशन देखा था मैंने, अभी आपको बताता हूँ रुकिए। सेशन मतलब जो संदीप महेश्वरी सर का जो आते हैं, शो आता है, एक शो तो ना माने के एक आप क्या कहते हैं उसको मुझे पता नहीं, उसमें सेशन लिखा था मेरे को तो वो आता है यूट्यूब पर, हर जो MBA चाय वाले जो उसका उसने उसका भी है। फिर अभी अभी इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर सौरभ जोशी जो हमसे तो कहीं आगे है, उसका भी सेशन देखा हमने। तो उसमें उसकी बातों से, संदीप सर की बातों से एक मोटिवेट होता हूँ मैं कि एक नया, अगर एक नया वीडियो बनाना, एक नया काम करना, एक नए सपने देखना की ताकत सी मिलती है, एक आग सी लग जाती है अंदर के क्या, अरे यार जोर बोल दिया, आग लगा दी कहते हैं ना कि आग लगा दी, तो ऐसे ही। और बहुत ही मजा आता है, आप भी देखिए। और हमें तो ब्लॉग जो सौरभ जोशी है उसके ब्लॉग हमें उससे भी कहीं आगे, क्योंकि अगर सपना देखना है तो कुछ बड़ा सोचो, क्योंकि संदीप सर ने कहा है आप अगर ये वीडियो आपने देखा है तो, जो नहीं देखा तो जरूर आप देखिए क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है, मतलब कि बहुत ही मजा आता है उस वीडियो में। और एक हमें अगर एक आपसे भी एक दरख्वास्त है कि भाई आप जितना सपोर्ट संदीप महेश्वरी सर को करते हैं जोशी को, उतना ही हमें भी सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें कहीं आगे तक ले जाएगा। और आपका सपोर्ट अगर ना मिले तो हम कुछ भी नहीं है, ऐसा ही मानो तो ऐसे ही है, क्योंकि आप देखते हैं, आप सपोर्ट करते हैं, आप अगर शेयर करते हैं तो ही हम किसी लोग को पता चलता है कि नहीं ऐसे कोई चैनल है। तो आप देखते रहिए, एक हमें सपोर्ट करते रहिए।